ये कंसेप्ट तो बच्चों 1900 की सीरीज में इंग्लैंड में आया था, इंडिया में लगभग 100-110 साल बाद आया है जो ये कंसेप्ट एलएलपी का। और ये जो कंसेप्ट है ना एलएलपी का, ये हमारे लिए आया है। हमारे लिए मतलब ये कंसेप्ट बच्चों इस समय जो आया है मार्केट में सीए सीएस प्रोफेशनल्स के लिए आया। इंडिया में जो सीए की फर्म्स हैं और जो सीएस की फर्म्स हैं जो प्रैक्टिस करती हैं, वो दो ही फॉर्म में बन सकती थी इसके आने से पहले, एक इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप और दूसरा पार्टनरशिप फॉर्म। सीए सीएस की फॉर्म कभी भी प्राइवेट लिमिटेड नहीं हो सकती, कभी भी पब्लिक लिमिटेड नहीं हो सकती। ये जो फॉर्म्स हैं वो बच्चों या तो प्रोप्राइटरशिप होंगी या पार्टनरशिप होंगी। इन दोनों में हमें एक ही नुकसान है, वो नुकसान ये है कि इन दोनों के अंदर लाइबिलिटी हमारी अनलिमिटेड होती है। और क्योंकि हमारी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है आपकी काइंड नॉलेज के लिए, तो कहीं ना कहीं अगर हमसे गलत साइन हो गए कहीं पे और कोई डिफॉल्ट बड़ा हो गया तो हमारा घर तक भी बिक सकता है लाइबिलिटी, क्योंकि पर्सनल होकर चलती है तो पर्सनल लाइबिलिटी है। तो इसलिए नया कंसेप्ट आया बच्चों, वर्ल्ड में तो पहले ही था एलएलपी, तो लॉ मेकर्स हमारे लिए भी नया कंसेप्ट लेकर आए एलएलपी का। अब न है ये पार्टनरशिप फॉर्म, पर इसमें कंपनी के फीचर्स एड ऑन कर दिए। इसमें होगा क्या, लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, लिमिटेड हो जाएगी, अनलिमिटेड नहीं होकर चलेगी। तो प्रोफेशनल जो हैं आज की डेट में एलएलपी भी बना सकते हैं अगर वो चाहते हैं उनकी लाइबिलिटी क्या हो, अनलिमिटेड ना होकर लिमिटेड होकर चले। तो इसीलिए कंसेप्ट आकर चला और इसके अंदर मेनली कंपनी के ही फीचर्स हैं, सारे फीचर्स कंपनी के इनबिल्ट कर दिए। मतलब इट इज अ हाइब्रिड सिस्टम जिसमें फर्म और कंपनी के फीचर्स को इन्होंने मर्ज कर दिया है। और जो कंपनी के फीचर्स है सेपरेट लीगल एंटिटी, साथ में आपके पास क्या लिमिटेड लायबिलिटी, वो यहां पे इनकॉर्पोरेट हो गए हैं एलएलपी के अंदर। समझ आया पॉइंट सभी को? तो एलएलपी एक 2008 में आया बच्चों। आप कुछ इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री लिखते हैं, हिस्ट्री। पार्लियामेंट पास दी एलएलपी बिल ऑन 12/12/08 एंड प्रेसिडेंट हैज असेंटेड बिल ऑन 7/1/09 एंड कॉल्ड एज एलएलपी एक्ट 2008, ठीक है। और ये एलएलपी एक्ट 2008 के नाम से कॉल्ड होकर चला और मैनी ऑफ इट्स सेक्शंस जो भी इसके सेक्शंस हैं वो गोट एनफोर्स्ड फ्रॉम 31/3/09। तो काफी सारे सेक्शन की जो एनफोर्समेंट हुई वो 2009 से हुई, 31 मार्च से हुई कंट्री में। और इसके अंदर आपके पास शेड्यूल्स हैं, एक फर्स्ट शेड्यूल है जो बच्चों डील करता है म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर। तो पार्टनर की क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज हैं, उसको लेके डील करता है जो फर्स्ट शेड्यूल है आपके पास इसके अंदर, एक्ट के अंदर। एक सेकेंड शेड्यूल है वो कन्वर्जन ऑफ फॉर्म इनटू एलएलपी। और एक आपको थर्ड शेड्यूल है वो कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू एलएलपी को डील करता है। तो शेड्यूल्स हैं ये, ओएमआर में एक नंबर के ट्रू फॉल्स में आ सकते हैं आपको। और जो फोर्थ शेड्यूल है हमारे पास वो आपके पास अनलिस्टेड कंपनी को कन्वर्ट करने की बात करता है, कन्वर्जन ऑफ अनलिस्टेड कंपनी इनटू एलएलपी। मतलब उसके क्या प्रोसीजर है, क्या उसके रूल्स हैं कन्वर्ट करने के, अगर आप फॉर्म को एलएलपी में करना चाहते हैं या अनलिस्टेड कंपनी को करना चाहते हैं। मतलब अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी लिख लेना आगे, क्योंकि प्राइवेट तो ऊपर लिखा ही हुआ है। और ये बच्चों साथ में
ये किसके अंडर आती है? आरओसी। एलएलपी के जो कंसेप्ट है ना वो आरओसी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के अंडर है, मतलब जो कंपनीज की अथॉरिटी आरओसी वही अथॉरिटी एलएलपी की, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज उसी की साइट से ही इसका इनकॉर्पोरेशन होता है, उसी की साइट से डॉक्यूमेंट सारे के सारे क्या होते हैं, सबमिट होकर चलते हैं। समझ आया पॉइंट सभी को? तो बच्चों आरओसी का मतलब क्लियर, रजिस्ट्रार ऑफ क्या, कंपनीज आपके पास। चले डन है, सभी को क्लियर है ये। इसका पेज नंबर क्या है हमारे मॉड्यूल में, उसके अंदर कौन से पेज से शुरू होता है? 113। चलो बस उसी के अपोजिट पे चलिए, फिर चले आगे। लिखा ये सबने, अब सेकंड पार्ट आ रहा है, मीनिंग ऑफ एलएलपी क्या होता है एंड इट्स फीचर्स। एलएलपी क्या होता है और उसके क्या फीचर्स हैं हमारे पास? तो बच्चों क्या कह रहा है आपके पास, एलएलपी इज अ न्यू फॉर्म ऑफ लीगल बिजनेस एंटिटी विद लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी, इट इज अ सेपरेट एलएलपी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी एंड व्हाइल एलएलपी इट्सेल्फ विल बी लायबल फॉर फुल एक्सटेंट ऑफ इट्स असेट्स liability of partners will be limited। तो new form है business entity का जिसमें liability limited है, it's a separate legal entity और ये LLP का पूरा right है अपनी assets के ऊपर, और इसकी liability क्या होकर चलेगी, limited होकर चलेगी। LLP is an alternative corporate business form that gives the benefits of limited liability of company and flexibility of partnership। तो बच्चों ये हाइब्रिड सिस्टम है आपके पास, तो आप ही देखो ये कॉर्पोरेट फॉर्म भी है, कंपनी के फीचर्स भी इसके अंदर, और पार्टनरशिप की फ्लेक्सिबिलिटी भी है, मतलब पार्टनर है पार्टनरशिप ही लेकिन फीचर्स कंपनी के एड ऑन हो गए हैं, तो इसलिए इसको ऐसा बोलकर चला जा रहा है। समझ आया पॉइंट सभी को? चले आगे, पॉइंट क्लियर है सभी को? फिर आपके पास इसके फीचर्स, बच्चों इसके जो फीचर्स है ना मैं लिखूंगा पूरे ही, पर ज्यादा डिटेल में नहीं लिखूंगा, ठीक लिखूंगा क्योंकि कंपनी के अंदर सेम फीचर है, कंपनी के अंदर सेम फीचर है और वहां पे मैं ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? वैसे तो आपको अभी इतना लिखने से भी समझ आ जाएगा, लेकिन दोनों के फीचर्स बिल्कुल सेम है, लगभग सेम है, एक्सेप्ट एक्ट अलग हो गया, वहां पे पार्टनर्स बोलते हैं, वहां शेयर होल्डर्स बोलते हैं, वो बातों का डिफरेंस तो है क्योंकि हाइब्रिड सिस्टम है, वो कंप्लीट कॉर्पोरेट कल्चर है। तो लिखने जा रहे हैं फीचर्स क्या होते हैं हमारे पास एलएलपी के लिए, क्या इसके फीचर्स हैं जब एलएलपी बनेगी। नंबर वन, एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म
एंड इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट. मतलब समझो, एलएलपी को क्रिएट करना पड़ता है. पार्टनरशिप में तो क्या होता है, रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल होता है, लेकिन यहां पे रजिस्ट्रेशन क्या होता है, मैंडेटरी होता है. यहां पे रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है, एलएलपी को बनाना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा. एलएलपी के पार्टनरशिप फॉर्म में डीड लिखता है, यहां तो रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी. कंपनीज एक्ट के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी, अंडर आरओसी फॉर्म करना पड़ेगा, इसलिए बॉडी कॉर्पोरेट है. ये क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट है. नंबर टू, परपेचुअल सक्सेशन. परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या, लाइफ ऑफ एलएलपी अपने पार्टनर्स की लाइफ पे डिपेंड नहीं करती. पार्टनर्स आए या जाए, पार्टनर्स आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं, लेकिन एलएलपी क्या होती है बच्चों, गोस फॉरएवर होती है. एलएलपी बनाने का एक प्रोसेस है, तो बंद करने का भी एक प्रोसेस है. पार्टनर्स की लाइफ के बेस पे एलएलपी की लाइफ डिसाइड नहीं होकर चलती. तो लिखते हैं, एलएलपी कैन कॉन्टिन्यू इट्स एग्जिस्टेंस irrespective of changes in partners, death, insanity मतलब दिमागी हालत खराब होना, retirement etc. of partners has no impact ऑन एग्जिस्टेंस ऑफ एलएलपी. तो बच्चों इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग आए जाएं, एलएलपी की लाइफ अपने पार्टनर्स की लाइफ पर डिपेंड नहीं करके चलते. समझ आया पॉइंट. सेम कंपनी का फीचर है, सेपरेट लीगल एंटिटी LLP is a separate legal entity, is liable to full extent of its assets, but liability is limited to agreed contribution in LLP. मतलब LLP का पूरा liable है to the extent of asset, लेकिन liability उतने तक है partners की जितने उनकी जितना उनका contribution है. Separate legal entity का मतलब होता है LLP और partners दोनों अलग अलग बातें हैं. LLP के काम के लिए LLP liable है और partners की liability limited है जितने उनकी ratio है, उसके बाद के लिए वो personally liable नहीं होकर चलेंगे आपकी काइंड नॉलेज के लिए. इसका मतलब यह होता है, क्रेडिटर्स ऑफ एलएलपी, क्रेडिटर्स ऑफ एलएलपी शैल बी क्रेडिटर्स ऑफ एलएलपी अलोन. मतलब एलएलपी अगर नहीं पैसा चुका पाएगा तो नहीं, पार्टनर्स को पर्सनली घर से पैसा लाने की जरूरत नहीं है. तो एलएलपी के पार्टनर्स जो हैं, जो क्रेडिटर्स हैं, एलएलपी के ही है, पार्टनर्स की लाइबिलिटी उनको पैसा देने के लिए पर्सनली नहीं होकर चलेगी. पॉइंट समझ आया सभी को. चले आगे फिर नंबर फोर के पॉइंट, फोर नंबर फीचर. नंबर फोर, म्यूचुअल एजेंसी. म्यूचुअल एजेंसी क्या होती है बच्चों, एक ने जो काम किया उसके लिए सभी लायबल, पूरी फर्म लायबल, उसको म्यूचुअल एजेंसी बोलते हैं. पार्टनरशिप में पढ़ेंगे हम लोग. तो बच्चों, नो पार्टनर इज लायबल ऑन अकाउंट ऑफ इंडिपेंडेंट और अनऑथराइज्ड एक्शन ऑफ अदर पार्टनर्स. तो बच्चों,
और साथ में नो पार्टनर, नो वन पार्टनर कैन बाइंड अदर पार्टनर बाय हिज एक्ट, और पार्टनर्स विल बी एजेंट्स ऑफ एलएलपी अलोन, और वो एलएलपी के ही एजेंट है। मतलब पार्टनरशिप फॉर्म में एक ने जो काम किया उसके लिए सभी लायबल है, इसमें ऐसा नहीं है। पार्टनर जो काम करेंगे उसके लिए एलएलपी लायबल है, बाकी पार्टनर्स लायबल नहीं है। जबकि पार्टनरशिप में एक पार्टनर ने काम किया उसके लिए बाकी पार्टनर्स क्या होके चलेंगे, लायबल होके चलेंगे। इसको हम बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। तो यहां पे म्यूचुअल एजेंसी कम है, नहीं है इतनी जितनी पार्टनरशिप फॉर्म में होती है। एलएलपी एग्रीमेंट म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स ऑफ एलएलपी आर गवर्न्ड बाय एलएलपी एग्रीमेंट। एलएलपी एग्रीमेंट और इन एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, अगर मान लो आपके बीच में एग्रीमेंट नहीं होता, देन राइट्स एंड ड्यूटीज शैल बी गवर्न बाय एलएलपी एक्ट। मतलब देखो, वैसे तो एग्रीमेंट लिखो, एग्रीमेंट में लिखा है कौन किस काम के लिए लायबल है, पर एग्रीमेंट में नहीं लिखा तो बच्चों फिर एलएलपी एक्ट बताएगा आपको क्या राइट्स और ड्यूटीज होंगी। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, तो आर्टिफिशियली क्रिएटेड है, लॉ की नजरों में आर्टिफिशियली क्रिएटेड है, तो बच्चों एलएलपी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन बिकॉज इट इज क्रिएटेड बाय अ लीगल प्रोसेस एंड इट इज क्रिएटेड इन आईज ऑफ लॉ। तो आर्टिफिशियल मतलब इट कैन नॉट बी सीन एंड टच, लेकिन इसको एक अलग से आइडेंटिटी कैसे मिली, लॉ की नजरों में मिली। लॉ की नजर में एक अलग पर्सन है, एलएलपी एक अलग कैटेगरी का पर्सन है, और लीगल प्रोसेस लेआउट करके आपने इसको क्या करा है, इनकॉर्पोरेट करके चला है। समझ आया पॉइंट? तो बच्चों सारे कंपनी के फीचर है, आर्टिफिशियल पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है, आपके पास आपको फॉर्म करना पड़ता है, बॉडी कॉर्पोरेट है, परपेचुअल सक्सेशन है, लाइफ पार्टनर्स की लाइफ के ऊपर एलएलपी की लाइफ डिपेंड नहीं करके चलती। पॉइंट क्लियर है सभी को? फिर पॉइंट नंबर 7 लिखा सबने, फिर बच्चों पॉइंट नंबर 7, लिमिटेड लाइबिलिटी liability of partners will be limited to their agreed contribution in LLP। तो agreed contribution के लिए liable है जितना उनकी agreed है, बाकी के लिए liable नहीं है। कॉमन सील, कॉमन सील क्या होता है? ऑफिशियल सिग्नेचर, ये ऑफिशियल साइन होते हैं। मतलब कहीं पे एलएलपी को साइन करना है तो उसकी कॉमन सील लग जाती है, जो वाटरमार्क फॉर्म में होती है। मतलब एक मशीन होती है, उसके बीच में पेपर डालते हैं, ऐसे पंच करते हैं तो निशान, मतलब वाटरमार्क बन जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम कॉमन सील। तो पहले तो कॉमन सील मैंडेटरी होती थी, लेकिन अब कॉमन सील क्या होने लगी है, ऑप्शनल कर दी, ऑप्शनल हो गए हैं। आप चाहो तो कॉमन सील लगा दो या कुछ लोगों के साइन करा लो, वो इक्वल टू कॉमन सील होकर चलेगा। तो लिखते हैं इसमें, एलएलपी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन
can act through its partners and designated partners. LLP may have a common seal, may मतलब option, तो जरूरी नहीं है common seal होना, may have a common seal, or it is not mandatory, to have a common seal, और बच्चों कोई मैंडेटरी नहीं है, ठीक है? कॉमन सील शैल रिमेन अंडर कस्टडी under some responsible official and it shall be affixed in presence of at least two designate partners. जैसे firm में managing partners होते हैं, यहाँ पे designate partners होते हैं. तो कम्स अगर आपने कॉमन सील कहीं पे लगानी है जो कि मैंडेटरी नहीं है तो दो पार्टनर्स के सामने वो लगाई जाएगी जब किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर. लेकिन अब ऑप्शनल है, पहले मैंडेटरी होता था, अभी ऑप्शनल आप लगा भी सकते हो और नहीं भी लगाकर चल सकते. नहीं लगाओगे तो डायरेक्टर के साइन हो जाएंगे, पार्टनर के साइन हो जाएंगे, वो इक्वल टू कॉमन सील होके चलेगा. फिर 9 पॉइंट, मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स मिनिमम कितने पार्टनर्स होने चाहिए, मैक्सिमम कितने पार्टनर्स होने चाहिए. तो बच्चों मिनिमम, मिनिमम तो बच्चों टू पार्टनर्स हैं एंड एंड शेल ऑल्सो have at least two individuals as designated partners. तो ये कहना चाहते हैं दो होने चाहिए और ये भी कंडीशन है, दो के दो इंडिविजुअल तो कम से कम होने चाहिए उसमें. मान लो तीन पार्टनर टोटल है, कंपनी को पार्टनर बना रहे हो एलएलपी में, तो बच्चों उस केस में दो इंडिविजुअल नेचुरल ह्यूमन बीइंग होने चाहिए, ठीक है? दो मस्ट है उसमें. एंड ऑफ होम at least one shall be resident in India. और जिसमें से जो दो designate partner होंगे एक भारत का रहने वाला होना चाहिए. shall be resident in India, ये must है, वो भारत का resident होना चाहिए. तो बच्चों अगर आपके चार partners रख रहे हो, firm company बना लो, किसी company को partner बना लो, लेकिन दो individual designate partner must है. मतलब आप सोचो एक कंपनी एक इंडिविजुअल को बना ले, पार्टनर हो नहीं पाएगी एलएलपी. दो इंडिविजुअल पार्टनर्स चाहिए और उसमें से एक भारत का क्या होना चाहिए, रेजिडेंट होना चाहिए, ठीक है? और साथ में, और साथ में पॉइंट यहां पे अब एड ऑन हो रहा है, नो लिमिट. नेक्स्ट लाइन में नो लिमिट ऑन मैक्सिमम पार्टनर्स. तो मैक्सिमम पार्टनर्स के ऊपर कोई भी लिमिट नहीं है, कितने भी हो सकते हैं, यहां पे लिमिट नहीं है क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट में लिमिट है, यहां पे कोई भी लिमिट नहीं है. फिर आपके पास पॉइंट नंबर 10, पॉइंट नंबर 10, फॉरेन एलएलपी कैन बिकम आ पार्टनर इन इंडियन एलएलपी. बिल्कुल बन सकते हैं, तो आप फॉरेन एलएलपी को भी बना लो, लेकिन दो इंडिविजुअल डेजिग्नेट पार्टनर आपको बनाने पड़ेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. और मैनेजमेंट, मैनेजमेंट बाय डेजिग्नेटेड पार्टनर्स,
तो डेजिग्नेट पार्टनर्स का मतलब जो जिनकी डेजिग्नेशन है और ऐसे पार्टनर्स हैं जो फर्म के लिए काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मैनेजमेंट बाय डेजिग्नेटेड पार्टनर्स ओनली। तो बच्चों पार्टनर तो नॉन डेजिग्नेट भी हो सकते हैं, लेकिन यहां पे डेजिग्नेट पार्टनर्स ही चाहिए हमें, ठीक है, और डेजिग्नेट पार्टनर्स ही मैनेजमेंट संभालेंगे बिजनेस के अंदर। ये वर्किंग पार्टनर बोलते हैं, वहां पे क्या होता है पार्टनरशिप वर्किंग नॉन वर्किंग है, यहां पे डेजिग्नेट नॉन डेजिग्नेट पार्टनर्स होकर चलते हैं। पॉइंट समझ आया सभी को, एक्सेट्रा मेन मेन लिखे गए हमारे पास, ठीक है। तो बच्चों सारे कंपनी के फीचर्स हैं जो कंपनी में मिलेंगे, सेम आपको मिलेंगे, फीचर्स के ऊपर कुछ खास अलग से बात नहीं है। चलें फिर आगे, फिर आ रहा है बच्चों एडवांटेजेस, एडवांटेजेस टू ऑफ एलएलपी, एडवांटेजेस ऑफ एलएलपी मतलब एलएलपी के क्या फायदे हैं, अगर आप एलएलपी बनाओगे क्या फायदे आपको होंगे। सबसे पहला पॉइंट इजी टू फॉर्म, मतलब कंपनी से कंपेयर कर रहे हैं, इजी टू फॉर्म है, जल्दी बन जाती है। ऑल पार्टनर्स जितने भी पार्टनर्स हैं एंजॉय लिमिटेड लायबिलिटी, लायबिलिटी लिमिटेड है, ये तो सबसे बड़ा मैंने बोला आपको बेनिफिट है। इजी टू डिसॉल्व, बंद करना आसान है कंपनी के मुकाबले। फ्लेक्सिबल कैपिटल स्ट्रक्चर, जो कैपिटल का स्ट्रक्चर है फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल का मतलब यह हुआ कि आप कितनी भी कैपिटल से फॉर्म कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं अभी 20 लाख कैपिटल चाहिए, 5 लाख कैपिटल चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। और साथ में ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑपरेट्स ऑन बेसिस ऑफ एग्रीमेंट, और बच्चों एग्रीमेंट के बेस पे ऑपरेट होकर चलती है, सारा काम एग्रीमेंट में जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग ही होकर चलता है। तो ये बेनिफिट्स है बच्चों एलएलपी, सबसे बड़ा बेनिफिट है आपको लिमिटेड लायबिलिटी का, यही सबसे बड़ा बेनिफिट है इसको बनाने का। और बाकी कॉर्पोरेट फीचर्स है वो तो है ही, कंपनी जैसी आपकी में। देखो आज हमारे पास कोई क्लाइंट आता है ना, वो पूछता है कंपनी बनाओ कि एलएलपी, हम कहते हैं एलएलपी बनाओ। कंपनी लॉ बहुत स्ट्रिक्ट है एज कंपेरेटिवली, सजा के तक के प्रोविजन है, एलएलपी लॉ उसके मुकाबले बहुत कम स्ट्रिक्ट है और फीचर उसके जैसे ही है। और इंटरनेशनल रिकॉग्निशन है, फॉरेन में आप देखोगे ई एंड वाई प्राइस वाटर हाउस कूपर्स सारी एलएलपी ही हैं, इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, 140-140 कंट्री के अंदर ऑफिस है, तो बच्चों सब एलएलपी हैं। तो ये इंटरनेशनल रिकॉग्निशन है बिकॉज फीचर कंपनी की तरह ही है इसके। और कंपनी थोड़े ज्यादा स्ट्रिक्ट सिस्टम है, पेनल्टी ज्यादा है, अगर आप गलत काम करते पकड़े गए तो फिर कंपनी के केस में आपको प्रॉब्लम भी आकर चलेंगी। समझ आया पॉइंट सभी को। फिर आपके पास, फिर आ रहा है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट, कंटेंट्स ऑफ एलएलपी एग्रीमेंट, कंटेंट्स ऑफ एलएलपी एग्रीमेंट। जो ये एलएलपी की डीड बनती है जो हरियाणा में अब 1000 रुपए के स्टैम्प पेपर पे बनेगी, तो वो एलएलपी एग्रीमेंट जो है उसके क्या क्या उसके अंदर लिखा जाता है। तो बच्चों एलएलपी एग्रीमेंट में नेम होता है, नाम यहां से पता लगेगा, एड्रेस होता है एलएलपी का, फिर नेम एंड एड्रेस ऑफ डेजिग्नेट पार्टनर्स होता है, जो आपके डेजिग्नेट है मैनेजिंग पार्टनर्स हैं जिन्होंने संभालना है, फिर आपका फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, एंड इंटरेस्ट होगा, कितना इंटरेस्ट मिलेगा, फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी, रेमुनरेशन ऑफ पार्टनर्स होगा, राइट्स एंड ड्यूटीज होंगी, प्रपोज बिजनेस किस चीज का काम है उसके बारे में होगा आपको, रूल्स होंगे एलएलपी के, रूल्स फॉर एलएलपी, क्या एलएलपी कैसे काम करेगी, क्या उसके रूल्स है वो होगा। तो बच्चों नाम क्या है, एड्रेस क्या है, बिजनेस क्या है, कौन पार्टनर्स है, ठीक है, सब चीज कहां से पता लगेगी, एग्रीमेंट से ही तो पता लगेगी। राइट्स एंड ड्यूटीज कहां से पता लगेगी, एग्रीमेंट से ही पता लग के चलेगी। समझ आया पॉइंट सभी को,
चलें आगे, क्लियर है सभी को? कोई डाउट इसके ऊपर बचो? चलिए फिर आगे चलते हैं। अब आ रहा है स्टेप्स टू इनकॉर्पोरेट एलएलपी। बच्चों एलएलपी बनाने के क्या स्टेप्स हैं? जो हमारे पास एलएलपी है ना, उसको बनाने के क्या स्टेप्स हैं हमारे पास? एलएलपी हम बनाते हैं, स्टेप्स क्या हैं? वैसे जो स्टेप्स यहां पे लिखे हैं ना वो ठीक हैं, पर अभी जो मैंने देखा है, अभी हम एलएलपी बना रहे हैं, एक एलएलपी हमारी चल रही है अभी प्रोसेस में, मिनिस्ट्री को फाइल किया हुआ है, तो उन्होंने फॉर्म थोड़े चेंज कर दिए। ऐसे होता है, फॉर्म्स क्या होते रहते हैं चेंज, पर अभी जो स्टडी मटेरियल में लिखा है सीए के इंस्टीट्यूट के, हम उसी को कर रहे हैं। इनकेस इंस्टीट्यूट ने बोला एग्जाम से पहले अमेंडमेंट अप्लाई ऑन इट, तो वी कैन डू दैट पार्ट, ठीक है? अदरवाइज तो हम फॉर्म यही पढ़ेंगे जो है, लेकिन प्रैक्टिकल जो मैंने देखा है फॉर्म की सीरीज चेंज हो गई है। पहले तीन फॉर्म भरने पड़ते थे, अब दो फॉर्म ही भरने पड़ रहे हैं एलएलपी इनकॉर्पोरेट करने के लिए। तो बच्चों पहला आता है नंबर वन, नेम रिजर्वेशन। नेम रिजर्वेशन फर्स्ट स्टेप टू इनकॉर्पोरेट एलएलपी इज रिजर्वेशन ऑफ नेम, और इसमें ई फॉर्म वन इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड। इसमें एक नया पॉइंट आया, एक रन ई एलएलपी करके फॉर्म आया फॉर नेम अप्लाई, ये नया है, वैसे लिख देता हूं। बच्चों एक ना नई फैसिलिटी आई है नाम के लिए, पहले क्या था नाम बड़े लंब फॉर्म भरना पड़ता था, अब एक साइड पे एक प्रोसेस रन ई एलएलपी के नाम से आ गया है। उसमें क्या दो कॉलम भरने, नाम अप्लाई करना है बस, आपने दो दिन में अप्रूव होकर आपके पास आ जाता है, अगर नाम मिलेगा फिर आगे का स्टेप आप फॉलो करो। जबकि पहले तो ई फॉर्म वन ही भरना, मतलब थोड़ा लंबा चौड़ा फॉर्म भरना होता था, अब तो एक रन फैसिलिटी के नाम से उन्होंने एक नया फॉर्म क्या कर दिया है, रन के नाम से अप्लाई कर दिया है मिनिस्ट्री ने ई एलएलपी के नाम से। सेकेंड, इनकॉर्पोरेट एलएलपी, फिर आप एलएलपी बनाओ आफ्टर रिजर्विंग अ नेम, यूजर हैज टू फाइल ई फॉर्म टू फॉर इनकॉर्पोरेटिंग अ न्यू एलएलपी। और जो ई फॉर्म टू होता है ना, उसमें क्या क्या डिटेल्स होती हैं बच्चों? उसमें डिटेल्स ऑफ एलएलपी होती है, एलएलपी के बारे में, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, और जो नॉर्मल आपके पार्टनर्स हैं उनकी डिटेल्स होती हैं, ठीक है, उनकी डिटेल्स होती है एक्सेट्रा। तो मेन मतलब पहले ई फॉर्म वन भरो नाम के लिए, फिर सेकंड फॉर्म में क्या होता है ई फॉर्म टू होता है, उसमें एलएलपी के बारे में, नेचर ऑफ बिजनेस के बारे में, एड्रेस होता है उसका, और साथ में पार्टनर्स की डिटेल होती है, नाम पता, एड्रेस, पैन नंबर, आधार कार्ड नंबर पार्टनर्स का, और फिर तीसरा एलएलपी एग्रीमेंट। तो लास्ट में जाता है मिनिस्ट्री के पास एलएलपी एग्रीमेंट, एग्जीक्यूशन ऑफ एलएलपी एग्रीमेंट इज रिक्वायर्ड, मतलब जरूरी है, और ई फॉर्म थ्री विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी शुड बी फाइल्ड। तो ई फॉर्म थ्री आपको 30 दिन में फाइल करना होता है, तो आपको ई फॉर्म थ्री फाइल करना होता है उसमें एलएलपी एग्रीमेंट बनने के। तो बच्चों ये सेकंड पार्ट में एलएलपी बन जाती है यहां पे, फिर लास्ट में एग्रीमेंट क्या होता है फाइल होकर चलता है। ये तीन स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं, लेकिन अब प्रैक्टिकली नाम तो रन फॉर्म में आ गया है, प्रैक्टिकली नॉलेज के लिए बात कर रहा हूं सिर्फ, एग्जाम के लिए नहीं। और फिर सेकंड जो पहला फॉर्म है उसमें एलएलपी की डिटेल आ गई है, और दूसरे वाले फॉर्म में फिर एलएलपी क्या आ गया, एग्रीमेंट आ गया। तो रन फैसिलिटी उन्होंने थोड़ी सी नई फैसिलिटी कर दी है, जो अब लेटेस्ट अमेंडमेंट आ रही है मिनिस्ट्री के वहां पे। चले आगे, पॉइंट क्लियर है सभी को? फिर आपके पास नेक्स्ट पॉइंट,
essential elements to incorporate LLP. LLP अगर आप incorporate करना चाहते हो तो उसके क्या essential elements हैं, मतलब what are the things required to, मतलब जैसे ना चाय बनानी है तो टी बैग चाहिए, शुगर चाहिए, वाटर चाहिए, मिल्क चाहिए, कोई यूटेंसिल चाहिए बनाने के लिए, तो मतलब these are the things required. तो ये जस्ट यहां बात कर रहे हैं कि आप LLP बनाना चाहते हो तो आपको क्या चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, उसके एसेंशियल एलिमेंट्स को लिखने जा रहे हैं LLP इनकॉर्पोरेट करने के लिए. नंबर वन टू कंप्लीट एंड सबमिट इनकॉर्पोरेशन document in form with registrar electronically. तो पहले तो पूरे फॉर्म भरना है आपने, जो फॉर्म 1, 2, 3 हमने लिखे हैं, ठीक है, फॉर्म तो भरना ही पड़ेगा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को. टू हैव एटलीस्ट, आपको कम से कम कितने डेजिग्नेट पार्टनर चाहिए, टू. तो बच्चों टू डेजिग्नेटेड पार्टनर्स फॉर LLP, टू हैव अ रजिस्टर्ड ऑफिस इन इंडिया फॉर ऑल कम्युनिकेशन. भारत के अंदर आपको ऑफिस चाहिए, अगर LLP खोलना है उसका रेंट एग्रीमेंट तो ला के दोगे ना कि प्रूफ है आपकी फर्म यहां पे चल रही है, तो आपको रजिस्टर्ड ऑफिस चाहिए. साथ में आपको मिनिमम 2 इंडिविजुअल्स एज डेजिग्नेटेड पार्टनर out of which one should be resident in India. एक भारत में resident होना चाहिए. ऊपर तो हमने वैसे लिखा कि दो partner तो चाहिए, लेकिन उसमें साथ में यह भी कि दो individual नहीं हुए अगर, ठीक है, तो फिर उस केस में इंडिविजुअल भी हमें चाहिए होंगे, ठीक है. तो ऊपर तो हमने लिखा कि दो चाहिए, तो दो में कंपनी भी हो सकती है, लेकिन लॉ में यह भी लिखा है कि दो इंडिविजुअल भी अलग से होना क्या है, जरूरी है, मिनिमम दो पार्टनर चाहिए लेकिन इंडिविजुअल भी चाहिए. तो फिर आपके पास नंबर फिफ्थ, डेजिग्नेटेड पार्टनर शुड हैव DPIN नंबर, मतलब डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर. बच्चों ये क्या होता है, जैसे कंपनी में या फिर LLP जो ROC के अंदर होते हैं ना, जो डायरेक्टर और पार्टनर होते हैं उनको यूनिक नंबर दिया जाता है उनके आईडी प्रूफ के बेस पे, और वही नंबर उनका आगे चलता है कंपनीज एक्ट में. जैसे आपको इनकम टैक्स में पैन चाहिए तो हर डायरेक्टर हर पार्टनर को कंपनीज एक्ट में LLP के अंदर DPIN चाहिए, मतलब डेजिग्नेट पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर चाहिए जो आपको ऑब्टेन करना होता है, और LLP का नाम भी आपको चाहिए कि क्या नाम है LLP का नाम. तो मतलब नाम भी चाहिए, ऑफिस भी चाहिए, इंडिविजुअल पार्टनर्स भी चाहिए आप लोगों को, LLP का एग्रीमेंट भी चाहिए, डॉक्यूमेंट भी सारे भरने हैं तब जाके, क्योंकि रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, ऑप्शनल नहीं है, पार्टनरशिप में ऑप्शनल है, यहां पे जो रजिस्ट्रेशन है वो क्या है, मैंडेटरी है. पॉइंट समझ आया सभी को. फिर आपके पास नेक्स्ट पॉइंट, प्रोसेस क्या LLP बनाने का, स्टेप्स है, स्टेप की तरह ही प्रोसेस है, थोड़ा सा अलग से उन्होंने दे रखा है. तो प्रोसेस टू क्रिएट अ LLP, तो LLP बनाने का क्या प्रोसेस है, डिसाइडिंग पार्टनर्स एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर्स. तो पहले डिसाइड करो, फिर ऑब्टेन DPIN फ्रॉम MCA, MCA मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स,
एंड डीएससी, डीएससी क्या होता है, डिजिटल सिग्नेचर, क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म होते हैं तो साइन डिजिटली होते हैं, पेन ड्राइव में सिग्नेचर आपके आईडी प्रूफ के बेस पे कन्वर्ट हो जाते हैं, तो डिजिटल सिग्नेचर चाहिए आपको, डीएससी सर्टिफिकेट चाहिए और डीपिन चाहिए। फिर चेक, नेम, अवेलेबिलिटी। तो बच्चों इसमें मैक्सिमम 6 नेम हम फिल कर सकते हैं। अब तो नई फैसिलिटी आ गई रन के नाम से, तो उसमें पहले वाले फॉर्म में क्या था कि नाम आपको नाम चेक करना होता और एक फॉर्म में 6 नाम अप्लाई कर सकते हो और जो नाम अवेलेबल होगा वो आपको क्या हो जाएगा, अप्रूव हो जाएगा। मैक्सिमम 6 नेम यू कैन अप्लाई सीरीज ऑफ, मतलब फीफो सिस्टम में पहले ये चाहिए फिर ये चाहिए, ये नहीं तो सेकंड नंबर पे दे देना, ये नहीं थर्ड नंबर पे दे देना, ये नहीं तो फोर्थ नंबर पे हमें दे देना। फिर आपके पास ड्राफ्टिंग, ड्राफ्टिंग ऑफ एलएलपी एग्रीमेंट, फिर ई फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स और फिर इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट और फिर मिनिस्ट्री से फ्रॉम मिनिस्ट्री एंड LLPIN नंबर इज जनरेटेड। LLPIN नंबर क्या होता है बच्चों, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप आइडेंटिफिकेशन नंबर। कंपनी बनने के बाद LLP बनने का उसको एक नंबर दिया जाता है, तो वो अलॉट हो जाता है, उसको हम प्रोसेस का पार्ट बोल के। तो बच्चों पहले डिसाइड कर लो किसको पार्टनर बनाना है, उनसे डीएससी ले लो, डीपिन ले लो, फिर नाम को देख लो, फिर आप नाम के बाद एग्रीमेंट बना लो, एग्रीमेंट के बाद आप उनके फॉर्म भर दो, फॉर्म भरने के बाद सब कुछ ठीक होगा तो LLPIN नंबर जनरेट हो जाएगा, मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप आइडेंटिफिकेशन नंबर। समझ आया पॉइंट? अब 2 मिनट लगा के जितना लिखा है पहले पढ़ लो फिर आगे चलते। पहले पढ़ लो एक बार LLP का जो ये हमने लिखा है, प्लीज पढ़ लो। चलिए अब मॉड्यूल में पेज नंबर 118 पे LLP और फॉर्म का डिफरेंस देखने जा रहे हैं, ठीक है। मैं स्टडी मटेरियल से दिखा रहा हूं, पोटेटो बुक के अंदर भी है, मॉड्यूल के अंदर 118 पेज पे वहां से हम देख रहे हैं क्या डिफरेंस है, और पेपर के लिए डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें आ सकता है एक डिफरेंस, खासकर LLP और फॉर्म में और LLP और कंपनी में क्या डिफरेंस होता है। पहला, इस पे LLP पे LLP एक्ट लगता है तो इस पे पार्टनरशिप एक्ट लगता है। ये बॉडी कॉर्पोरेट है, पार्टनरशिप फॉर्म में कोई बॉडी कॉर्पोरेट सिस्टम नहीं होता। क्रिएशन, LLP सेपरेट लीगल एंटिटी है, LLP और पार्टनर्स अलग अलग बात है, जबकि ये एक तरह से सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, फर्म और बच्चों उसके पार्टनर्स बिल्कुल एक ही बात है, दोनों अलग अलग बात नहीं है। क्रिएशन, ये लीगल प्रोसेस है, इसका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और इसी इट इज क्रिएटेड बाय एग्रीमेंट, यहां पे रजिस्ट्रेशन कराने की कोई जरूरत नहीं है, रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप एक्ट में क्या होता है, ऑप्शनल होता है। परपेचुअल सक्सेशन, इससे पार्टनरशिप फर्म में डेथ से फर्क पड़ता है, डिसॉल्व हो जाती है फर्म, यहां पे फर्क नहीं पड़ता, कोई मेंबर आया जाए, पार्टनर आया जाए, LLP क्या रहती है, एक तरह से कंटिन्यू रहकर चलती है। जब पढ़ोगे आप पार्टनरशिप एक्ट तो वहां पे आपको और भी क्लैरिटी आएगी इस बात की। फिर आगे नेम, LLP के नाम के आगे LLP वर्ड यूज होता है, यहां पे ऐसा कुछ नहीं है कि नाम के आगे पार्टनरशिप फॉर्म वर्ड यूज होगा, लेकिन LLP के नाम के आगे, नाम के पीछे LLP वर्ड यूज होके चलता है। लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, क्या होती है, लिमिटेड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क करो। और बच्चों एक्सेप्ट इन केस ऑफ फ्रॉड, वैसे आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड है लेकिन अगर आप फ्रॉड करते नजर आओगे LLP के अंदर तो बच्चों उस केस में आपकी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, पर्सनल, वो तो फ्रॉड में तो हमेशा ही पर्सनल हो जाएगी, पर वैसे आपकी लाइबिलिटी क्या है, लिमिटेड, लेकिन यहां तो बच्चों लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, पर्सनल होकर चलती है। म्यूचुअल एजेंसी, यहां पे एवरी पार्टनर कैन बाइंड LLP बाय हिज एक्ट, नॉट द अदर पार्टनर, लेकिन एक पार्टनर फर्म और पार्टनर दोनों को बाइंड करता है। पार्टनरशिप में एक पार्टनर ने जो काम किया उसके लिए फर्म भी और पार्टनर भी लायबल है, लेकिन LLP में मैं पार्टनर ने जो काम किया उसके लिए LLP लायबल है, बाकी पार्टनर्स लायबल नहीं होकर चलते। डेजिग्नेट पार्टनर, कम से कम 2 डेजिग्नेट पार्टनर चाहिए, एक भारत में होना चाहिए, यहां पे ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है डेजिग्नेट पार्टनर का। कॉमन सील, इट मे हैव कॉमन सील, यहां तो कॉमन सील का कोई भी कंसेप्ट नहीं है, कॉमन सील लाइक कोई कंसेप्ट नहीं है। लीगल कंप्लायंस, सिर्फ डेजिग्नेट पार्टनर है लीगल काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या तो सभी पार्टनर रिस्पॉन्सिबल है, ये नहीं कि डेजिग्नेट पार्टनर, पार्टनरशिप फॉर्म में सभी पार्टनर्स लायबल होकर चलते हैं। एनुअल फाइलिंग, हर LLP को साल में एनुअल अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी और एनुअल रिटर्न,
विद रजिस्ट्रेशन ऑफ एलएलपी फाइल करके चलनी होती है। तो बच्चों हर एलएलपी को ये डॉक्यूमेंट फाइल करने होते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म में कोई डॉक्यूमेंट पार्टनरशिप फॉर्म अथॉरिटी को देने की जरूरत नहीं होती। और फॉरेन नेशनल बिल्कुल एलएलपी में पार्टनर हो सकते हैं, पर फॉरेन नेशनल पार्टनरशिप फॉर्म में कई बार मना हो जाता है, अगर उनके पास इंडिया का आइडेंटिटी प्रूफ ना हो तो फॉरनर फिर पार्टनर नहीं होकर चल सकता। माइनर कैनॉट बी एडमिटेड टू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप, लेकिन पार्टनरशिप में अंदर तो बच्चों बेनिफिट के अंदर एड हो सकता है, एलएलपी में माइनर का कोई भी रोल नहीं होकर चलता। पॉइंट समझ आया सभी को? तो आप ज्यादा तो नहीं 8 या 10 पॉइंट लर्न करिए। एक्ट का डिफरेंस है, लाइबिलिटी का डिफरेंस है, सेपरेट लीगल एंटिटी का डिफरेंस है, परपेचुअल सक्सेशन का डिफरेंस है आपके पास, रजिस्ट्रेशन का डिफरेंस है, कॉमन सील का आपके पास डिफरेंस है, तो ये पॉइंट्स के डिफरेंस है आपके पास एलएलपी और फर्म के अंदर। फिर नेक्स्ट आ रहा है आपके पास एलएलपी और एलएलसी में, मतलब ये कंपनी और ये एलएलपी, इनमें क्या फर्क है? एलएलसी मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, ठीक है, कंपनी की बात करें, इसका एक्ट एलएलपी एक्ट है, इसका कंपनीज एक्ट है। नंबर टू, इसमें जो लोग कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं उसका नाम पार्टनर्स होता है, इसमें मेंबर्स होते हैं या शेयर होल्डर्स होता है, तो नाम चेंज हो गया, फीचर तो सेम है दोनों के, तो फीचर पे तो डिफरेंस आ ही नहीं सकता, परपेचुअल सक्सेशन भी है, कॉमन सील भी है, सेपरेट लीगल एंटिटी दोनों में सेम है, लेकिन नाम तो चेंज है, वहां पार्टनर्स बोलते हैं, वहां पे क्या बोलते हैं? मेंबर्स बोलते हैं। इंटरनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग होता है, और वहां पे स्टैच्यू से होता है, स्टैच्यू मतलब कंपनीज एक्ट बताता है, वहां पे ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं होता, वहां डॉक्यूमेंट बनते हैं मेमोरेंडम एंड आर्टिकल, लेकिन वैसे अलग से कोई एग्रीमेंट नहीं होता, लेकिन यहां पे एलएलपी का क्या होता है? एग्रीमेंट होता है। नेम के आगे एलएलपी लगाया जाता है पीछे, और उसके प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड वर्ड, पब्लिक कंपनी को लिमिटेड, और बच्चों प्राइवेट लिमिटेड के आगे प्राइवेट लिमिटेड, और ओपीसी के आगे ओपीसी वर्ड प्राइवेट लिमिटेड लिखा जाता है, तो मतलब नाम के आगे लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड ब्रैकेट में ओपीसी लिखकर चला जाता है, नाम लिखने का तरीका वहां पे चेंज होकर चलता है। साथ में नंबर ऑफ पार्टनर्स आपको पता ही है, मिनिमम तो दो है, मैक्सिमम पे तो कोई लिमिट ही नहीं एलएलपी में, लेकिन यहां पे प्राइवेट कंपनी के अंदर मिनिमम दो, मैक्सिमम 200, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7, मैक्सिमम पे कोई लिमिट नहीं होकर चलती, तो प्राइवेट कंपनी में 200 मेंबर हो सकते हैं, जबकि एलएलपी में पार्टनर्स की कोई भी लिमिट नहीं होकर चलती, आप कितने भी पार्टनर्स के साथ एलएलपी बनाकर चल सकते हैं। लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स यहां पे लिमिटेड होती है, टू द एक्सटेंट ऑफ एग्रीड कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सेप्ट इन केस ऑफ फ्रॉड, तो याद रखना फ्रॉड में तो बच्चों लाइबिलिटी अनलिमिटेड ही जाएगी, तो एक्सेप्शन का केस आ रहा है, लेकिन यहां पे उतनी होती है जितना शेयर का पैसा अनपेड होता है, वहां एग्रीड कॉन्ट्रीब्यूशन वर्ड एलएलपी में, वहां जितना कॉल का पैसा आपका पेंडिंग है उतने तक के लिए आप लायबल हो, कॉल का पैसा आपने दे दिया फिर आपकी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी? जीरो होकर चलेगी। मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट होती है डेजिग्नेट पार्टनर्स के हाथ में होती है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में होती है, वहां पे मालिक मैनेजमेंट नहीं करते कंपनी के अंदर, वहां पे मालिक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं, वो लोग मैनेजमेंट करके चलते हैं, यहाँ पे खुद ही डेजिग्नेट पार्टनर मैनेजमेंट करके चलते हैं, और कम से कम 2 डेजिग्नेट पार्टनर चाहिए, और यहाँ पे 2 डायरेक्टर चाहिए प्राइवेट कंपनी में, और पब्लिक कंपनी में कम से कम कितने डायरेक्टर चाहिए? 3 डायरेक्टर आपको चाहिए। तो इन दोनों डिफरेंस को आप माइंड में जरूर रखना पढ़ते समय, ठीक है, और दोनों में क्या डिफरेंस है, पेपर में एक डिफरेंस आपको हिट कर सकता है पेपर के अंदर। चले फिर आगे, डन है, क्वेश्चन दिखा देता हूं इनके, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये तो आपके लिए जस्ट सिंपल से क्वेश्चन है तीनों, ठीक है। अब यहां पे एलएलपी क्या होता है, एलएलपी की करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, एक क्वेश्चन ये है, और एलएलपी बनाने के लिए क्या नेसेसिटीज की आपको जरूरत है, तो जो सब क्वेश्चन हमने लिखे हुए हैं, ठीक है, एलएलपी क्या होता है और उसके फीचर्स क्या होते हैं, ये सब हमने लिखे हुए हैं, इन्होंने वही शॉर्ट में लिखे हुए हैं कि बॉडी कॉर्पोरेट परपेचुअल सक्सेशन म्यूचुअल एजेंसी सेपरेट लीगल एंटिटी और क्या स्टेप्स एलएलपी बनाने के लिए। तो बच्चों 3 स्टेप है आपके पास, नेम रिजर्वेशन है एलएलपी का, इनकॉर्पोरेशन और फिर क्या है, एग्रीमेंट है, और एग्रीमेंट के अंदर क्या क्या होता है, फर्म के बारे में, पार्टनर्स के बारे में, बिजनेस के बारे में, राइट ड्यूटीज के बारे में, प्रॉफिट शेयरिंग के बारे में, कैपिटल के बारे में, इंटरेस्ट के बारे में उसमें होता है, और प्रोसेस अलग है, तो प्रोसेस अलग है, रिक्वायरमेंट्स अलग है, स्टेप्स अलग है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे हमारे पास जो हमने पढ़ लिए, तो एलएलपी एक्ट हमारा अब ये ओवर हो गया है बच्चों, जो हमने ये पढ़ा है, तो इसको एक बार आप पढ़ो जाके, स्टडी मटेरियल की पूरी हमने कवरेज की है।